चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है चश्मा। चलो इस वाली क्लास में हम टाइप 7 सीखेंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के अभी तक हमने 6 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 12 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो 2 क्लास हुई थी उनमें कंप्लीट कराया। अभी जो क्लास होगी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि टाइप 7 क्या कहता है, उस वाले टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। टाइप जो 7 है उसमें आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि मूल राशि एक ही दे रखी हो और हर बार दर और समय को चेंज करते हुए क्वेश्चन बनाया गया हो। तो इसके मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक बैंक में यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक बैंक में कुल 15,000 रुपये, कुल 15,000 रुपये प्रथम 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अगले 3 वर्ष के लिए 7% दर से, यदि कुल 8 वर्ष के लिए यह राशि जमा की जाए तब शेष समय के लिए ब्याज की दर 8% ली गई तब उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या थी? तब उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या थी? बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक बैंक में कुल 15,000 रुपये की राशि, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये मूलधन है और मूलधन 100% होता है। 100% बराबर 15,000 है तो कितना गुना चलेगा? 150 गुना। पैटर्न में आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। यहाँ मूलधन होता है, ये वाला साधारण ब्याज होता है और ये वाला मिश्र धन होता है। SI का मतलब है साधारण ब्याज। जो मूलधन होगा वो आपका 100% होगा। साधारण ब्याज कैसे बनेगी? देखो, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक बैंक में कुल 15,000 रुपये प्रथम 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, पहले 2 वर्ष के लिए वो 6% साधारण ब्याज की दर से उठाता है, उससे अगले अगर 3 वर्ष के लिए 7% की दर से, तो यहाँ ब्याज अलग बनेगा, तथा कुल 8 वर्ष के लिए यह राशि यदि जमा कराई जाती है, कुल कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए, तो शेष समय जो होगा, यानी कि इस वाली कंडीशन के बाद जो शेष समय होगा वहाँ पर ब्याज की दर 8% ली जाएगी। देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको इजी बनाने के लिए, समय और यहाँ पर दर और यहाँ पर ब्याज। ठीक है, समय कितना होगा? पहली 2 वर्ष के लिए समय 2, दर 6%, तो ब्याज कितनी बनी? 2 गुणा 6 किया तो 12। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी है? 7%। 3 वर्ष के लिए दर कितनी है? 7%, तो ब्याज कितना बना? 3 गुणा 7, 21%। ठीक है, तथा कुल 8 वर्ष के लिए, तो आपकी 2 और 3 5 वर्ष तो यही हो गई, 8 वर्ष की बात कर रहा है, तो शेष कितनी वर्ष बची? 3 वर्ष, और यहाँ पर ब्याज की दर कितनी ली जाती है? 8%, तो ये कितना हो गया? 3 गुणा 8 करेंगे तो 24%। दोबारा समझ लो, समय हमें पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर थी, तो 2 गुणा 6 ब्याज कितना हुआ? 12। फिर 3 वर्ष के लिए 7% थी, तो 3 गुणा 7 कितना हुआ? 21। कुल 8 वर्ष थे, तो यहाँ 2 और 3 5 वर्ष तो चले गए, बचे कितना? 3 वर्ष।
फिर उसके लिए आपकी दर्ज कितनी दे रखी है, 8%। तो 3 गुना 8 किया तो ब्याज की जो राशि होगी वो 24% बनेगी। कुल ब्याज कितना बना इस राशि पर, 12 और 21 होता है 33, और 4 37 और 20 57%। कितना ब्याज बना, ऐसे भी जोड़ सकते हो, 24 21 45 और 12 57, ये आपका कुल ब्याज है 57%। कुल ब्याज कितना आया, 57%। कैसे करेंगे, मूलधन हमें दिया गया है 100% बराबर 15,000। 100% बराबर कितना दिया गया है, 15,000। कितना गुना होगा, दाएं पद में बाएं पद का भाग दे देंगे। 15,000 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना गुना आया, 150 गुना। तो ये वाला भी कितना गुना हो जाएगा आपका, 150 गुना हो जाएगा। क्लियर सभी को, 57 जो है उसका में भी कितने का गुना कर देंगे, 150 का। इसका मतलब आपका क्या माना जाएगा, ब्याज आ जाएगा इसमें। जब इसका गुना करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा आपका 15 7 105, 15 5 75 और 10 85। यानी कि जो ब्याज बनेगा वो कितने रुपए बनेगा, 8,850 रुपये। 15,000 मूलधन है, 8,850 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो गया, 15 और 8, 23,550 रुपये। 15,000 रुपये मूलधन है, 8,550 रुपये क्या बना, ब्याज। इन दोनों को जोड़ा तो 23,550 रुपये क्या बन गया, मिश्रधन। तो यही पूछ रहा है उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या थी, अपना आंसर कितना आ गया, 23,550। इस वाले टाइप में एक क्वेश्चन आपके लिए और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। अगर इसी वाले टाइप में हमें सीखना है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि अब की बार आपकी समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे ढंग से खुद ही करने लग जाओगे। सपोज यहाँ पे हमें दिया गया है 6,000 रुपये। हम प्रथम 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो 10%, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 12%, कुल 7 वर्ष के लिए ये जमा राशि जमा कराती थी तो शेष समय के लिए ब्याज की दर है 14%। सेम इसी टाइप का है, मैंने केवल वैल्यू चेंज की है। पहले देखो समय कितना है, 3 वर्ष, दर कितनी है, 10%। तो ब्याज कितना बन गया, 3 गुणा 10 किया तो 30%। दूसरी कंडीशन में अगले 2 वर्ष के लिए 12%, तो 2 वर्ष दर है 12%, ब्याज बन गया 24%। कुल कितने वर्ष के लिए दे रहा है वो, 7 वर्ष के लिए, तो 3 और 2 5, शेष समय कितना बचा, शेष समय बचेगा 2 वर्ष, क्योंकि कुल तो 7 वर्ष के लिए दे रहा है, और ब्याज की दर कितनी है, 14%। 14 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 28। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, कुल ब्याज 30 और 24 होता है 54, 8 62 और 20 82, यानी कुल ब्याज जो आपका है वो कितने परसेंट आ गया, 82%। क्लियर सभी को, मूलधन जो अपना होता है वो होता है 100%। मूलधन 100% है, वो हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 6,000 रुपये। 100% बराबर 6,000 है तो कितना गुना, 60 गुना। ब्याज अपना कितना आया, साधारण ब्याज 82%। 82% में भी यहाँ पे 60 गुना चल रहा है तो यहाँ भी 60 गुना। गुना कैसे आया, दाएं पद में बाएं पद का भाग दिया है, 6,000 में 100 का भाग दिया है, गुना आया 60। तो 62 में भी 60 का गुना करेंगे तो ब्याज आ जाएगा 0, 6 2 12, 6 8 48 और 1 49। यानी कि जो ब्याज आया है वो कितने रुपये आए, 4920 रुपये। 6,000 रुपये मूलधन है, 4920 रुपये ब्याज है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन। क्योंकि हमें यही पूछा है व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या थी, तो 6,000 और 4,920 जोड़ करके 10,920 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10,920 रुपये। चलिए ये अपने क्वेश्चन हो गए थे यहाँ तक, 14 क्वेश्चन तक, यानी कि 7 टाइप हमने कर लिए। अगला 8वां जो टाइप होगा उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करना सीखेंगे अभी। प्रत्येक क्लास के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि 3 टाइप के कम से कम 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के होंगे, तो 6 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, और कुल 16 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए होंगे। उसके बाद एडवांस टाइप, जो क्वेश्चन आपको पहले आ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर के क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, टाइप नंबर है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनते हैं, यदि कोई धनराशि यदि कोई धनराशि
वर्ष में 2240 रुपये हो जाती है, 2240 रुपये हो जाती है, जबकि 4 वर्ष में, जबकि 4 वर्ष में 2480 रुपये हो जाए, तब मूल राशि क्या थी। इसमें मैं तीन चीज़ आपको निकालवा के बताऊंगा। आपको मूल राशि भी पूछ सकता है, आपको ये ना पूछ करके आपको दर भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत दर थी, आपको ये ना पूछ करके ये भी पूछ सकता है कि इतने समय में इतने दर से वो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। मूल राशि तो हमें पता है 100% होती है, एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में हो जाती है 2240 रुपये, जबकि 4 वर्ष में वो हो जाती है 2480 रुपये, तो साधारण ब्याज में कभी ब्याज पे ब्याज तो मिलने वाला नहीं है, केवल मूल राशि पे ही ब्याज मिला है। ठीक है, 2 वर्ष में वो राशि हो गई 2240 रुपये, कितनी हो गई 2240, जबकि 4 वर्ष में वही राशि कितनी हो गई 2480 रुपये। देखिए, यहाँ 2 वर्ष से 4 वर्ष होने में केवल 2 वर्ष का अंतर है भाई, 2 वर्ष 2240 हुए वही राशि, और 4 वर्ष में वो 2480 हो गई। तो यहाँ 2 वर्ष से और 4 वर्ष होने में कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, अंतर कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। अब ये राशि जो बढ़ी है 2 वर्ष में, ये केवल ब्याज ही तो बढ़ा है, ब्याज पे ब्याज तो कभी मिलेगा नहीं। तो 2240 से और ये हो गया आपका 2480, इसका मतलब कितने रुपए बढ़ गए यहाँ तक, 240 रुपये। 2 वर्ष में इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 240, तो 1 वर्ष में अगर ब्याज होगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 120, क्योंकि साधारण ब्याज में यदि मूल राशि सेम है, दर सेम है, समय समान है, इसका मतलब ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान ही मिलेगा। 2 वर्ष में आपको यहाँ से 2 वर्ष से 4 वर्ष आने में 2 वर्ष लगे, आपके रुपए जो बढ़े वो 240 बढ़े, इसका मतलब 1 वर्ष में कितने बढ़े 120। अब देखिए, 2 वर्ष में ये 2240 रुपये हैं, इसमें 240 रुपये तो ब्याज ही है 2 वर्ष का, इसका मतलब मूलधन कितना हुआ, इस 2240 रुपये जो टोटल है ये 2 वर्ष में वो राशि जो हुई है, इसमें 240 रुपये तो ब्याज ही है, इसका मूलधन है 2000 रुपये। अगर हमें पूछा जाता कि वो राशि कितनी होगी मूल राशि, तो 2000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ लेता दर कितनी होगी, तो देखिए 1 वर्ष में 120 रुपये ब्याज होता है, तो 2000 रुपये क्या है आपका मूलधन, तो कितना गुना हुआ बताइए। अभी मैंने बताया था मूलधन 100% होता है, 100% बराबर कितना 2000, तो कितना गुना चलेगा 20 गुना। ब्याज क्या होता है, दर तथा समय का गुणनफल। दर हमें नहीं पता है, अगर सपोज दर का क्वेश्चन बन जाता है तो दर मान ली आर, 1 वर्ष तो 1 गुना आर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 20 गुना तो ये भी 20 गुना, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 120 रुपये। भाई 1 गुणा आर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुणा आर का 20 से गुणा करेंगे तो 20 आर बराबर 120, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 6%, दर जो होगी उसकी 6% होगी, सपोज आपको दर का क्वेश्चन बन जाता है। इसका मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए कराने वाला हूँ, इससे फिर आपके लिए पूरा क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। दोनों तरह से यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 1950 रुपये, जबकि 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि क्या थी, या फिर आपको पूछ सकता है कि उसकी दर क्या थी। ठीक है, देखिए 3 वर्ष में तो वो हो जाती है 1950 रुपये, और 5 वर्ष में वो हो जाती है 2250 रुपये। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष से 5 वर्ष होने में कितने वर्ष का अंतर लगा, 2 वर्ष का, और राशि कितनी बढ़ गई 2 वर्ष में 300 रुपये, मतलब 1950 से वो कितनी हो गई 2250 हो गई, यानी कि 3 वर्ष में जब वो 1950 हो पाई थी, 5 वर्ष में वो 2250 हो गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष आने में वो राशि कितनी बढ़ गई, 1950 से 2250 तक होने में 300 रुपये, इसका मतलब 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी 150 रुपये,
भाई 2 वर्ष में 300 बढ़ रही है, तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 150। यहाँ जो 3 वर्ष में 1950 हुई है, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष का 150 150 150, तो 3 वर्ष का कितना हुआ, 450। 450 इसमें ब्याज है, तब जाकर ये 1950 हुआ है। यानी कि इसमें से अगर ब्याज घटा दिया जाए 450 रुपये, तो मूलधन तो 1500 रुपये ही बचेगा। मूलधन कितना बचेगा, 1500, क्योंकि 3 वर्ष में वो राशि 1950 हुई है, जिसमें 450 तो ब्याज हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपये है। इसका मतलब मूलधन आपका कितने रुपए आ गया, मूल राशि कितनी आ गई, 1500 रुपये। मूलधन होता है 100% बराबर 1500, इसका मतलब कितना गुना, 15 गुना। हमें पूछी गई है ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज क्या होता है, दर तथा समय का गुणनफल। हमें 1 वर्ष की ब्याज पता है कितने रुपए, 150 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए है, 150 रुपये। दर हमें नहीं पता, तो मैंने लिख दिया आर, 1 गुणा आर हो जाएगा, 1 वर्ष और दर आर। इसमें भी कितना गुना चलेगा, 15 का। 15 का गुणा 1 आर से करेंगे तो 15 आर बराबर 150, तो इससे इसको काट देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि ब्याज की जो दर होगी वो कितने परसेंट होगी, 10% होगी। ये टाइप नंबर 8, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर मैंने जो वैल्यू चेंज किया है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराया है।